प्रधानमंत्री ने कहा था देश को आईआईटी नहीं चाहिए, आईटीआई चाहिए, और आज ये कह रहे हैं सारे आईटीआई बंद होने के कगार पर हैं, उनको आईआईटी चाहिए, उनको इंजीनियर चाहिए जो विदेशों से पैसा ला करके देश में इनका प्लान को सशक्त बनावे। हम का आदिवासी विचारधारा में बहुत विश्वास करने वाले नहीं है, हम चलकर डीटी ताला लगाएंगे, पिछले बार हम लोगों ने ताला लगाया था। सर क्या परिचय है आपका और महत्वपूर्ण वजह क्या है मंत्र पे आ रहे हैं? मैं यूपी गोरखपुर से आया हूँ, वहाँ का मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, और आज हमारे पूरे देश के साथी जंतर मंतर धरना के लिए आए हुए हैं। हम लोगों ने करोड़ों रुपया लगा कर आईटीआई खोला है, लेकिन हम लोगों का जो मकसद है पूरा नहीं हो पा रहा है। बच्चे आज मार्कशीट निकाल ले रहे हैं, वो एडमिट कार्ड निकाल ले रहे हैं। हम लोगों का केवल ये है कि हम सरकार के एक मातहत हो गए हैं कि आपने स्कूल खोल लिया, प्रबंधक हैं, हमारे पास कोई पावर नहीं है, हम मार्कशीट नहीं दे सकते उनको, मार्कशीट खुद निकाल ले रहे हैं, वो एडमिट कार्ड निकाल ले रहे हैं, हम लोग केवल एक खोखा की तरफ खड़े हैं कि हम आरटीआई के प्रबंधक हैं। आज हम तमाम मांगों को लेकर के हम आज जंतर मंतर धरना देने आए हैं। पिछले बार भी हम लोग धरना दिए थे, और धरना देने के बाद हम लोग डीजी जाकर ज्ञापन दिया था, हमारी मांगे कुछ मांगे मांगी गई थी। इस बार भी हमको विश्वास है सरकारी हमारी मांगे हमारे दबाव में आकर के मांगेंगी, नहीं मांगी तो हम उनके कार्य को बंद करने का काम भी करेंगे डीजी जा करके। ये हम व्रत लेकर हम आ जाए हुए हैं। आपकी जो परेशानी अभी आपने जो बताई है उसका जो पूरा ना हो पाने का कारण क्या है, किसके थ्रू नहीं हुआ है अभी तक काम? ये डीजी के जो डायरेक्टर हैं उनके थ्रू नहीं हो पा रहा है, उनका वो सरकार से उनको एक मंशा है। हमारे मोदी ने कहा था कि देश को आईआईटी नहीं चाहिए, आईटीआई चाहिए। हमको लग रहा है कि अब उल्टा बोल रहे हैं, उनको आईआईटी ही चाहिए, आईआईटीआई नहीं चाहिए। इस वादे के साथ वो अपने मुकर रहे हैं, हम उनकी घोर निंदा करते हैं। प्रधानमंत्री होकर के उन्होंने जो कहा था कि देश को आईआईटी नहीं चाहिए, आईटीआई चाहिए, उन्होंने कहा था, आज ठीक उल्टा वो कर रहे हैं, आज उनको आईआईटीआई नहीं चाहिए, आईआईटी चाहिए, इस उद्देश्य के साथ वो अपना काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी तो देश को सशक्त बना रहे हैं, सशक्त बना कर रहे हैं। कौशल विकास योजना पूरी तरफ से केवल कागजों में सिपकट के रह गई है, और वो बड़े बड़े जो उसके डीलर हैं वो काम लेकर के खोखला कर रहे हैं, वो कोई काम नहीं हो पा रहा है। आप खुद जानते हैं कौशल विकास आज पूरे देश में फेल चल रहा है। जिम्मेदार सरकार है, डीजीटी है, अधिकारी हैं। सरकार से मांगे हैं कि हमारे अधिकार हमको दिया जाए, मार्कशीट हमको निकालने का मौका दिया जाए। एडमिट कार्ड बच्चों का है, खुद ऑनलाइन निकाल ले रहे हैं, वो अधिकार हमको मिलना चाहिए, वो बच्चों के हाथों में चला गया है, बंद होना चाहिए, ये हम मांगे मांगते हैं। नहीं नहीं, तो खोखला ये नारा केवल खोखला रह गया। मैंने अभी कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था देश को आईआईटी नहीं चाहिए, आईटीआई चाहिए, और आज ये कह रहे हैं सारे आईटीआई बंद होने के कगार पर हैं, उनको आईआईटी चाहिए, उनको इंजीनियर चाहिए जो विदेशों से पैसा ला करके देश में इनका प्लान को सशक्त बनावे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मनमानी है, हम क्यों करेंगे, हमारा फीस जमा होगा, हम उनको मार्कशीट देंगे, हमको फीस नहीं जमा करेंगे, हम मार्कशीट उनको नहीं देंगे, ये तो सही है। कार्रवाई क्या रहेगी? आगे कार्रवाई हमारी है कि हम जा करके उनके काम को बंद कराएंगे। हम का आदिवासी विचारधारा में बहुत विश्वास करने वाले नहीं है, हम चलकर डीटी पे ताला लगाएंगे, पिछले बार हम लोगों ने ताला लगाया था, और इसका नतीजा फोर्स आई, और उसके बाद हमारी मांगे जो जेन्युइन मांगे थे उन्होंने मांगा, यही समय था दीपावली का, यही समय था पिछली बार। डिजिटल बनाए तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे हम ही नहीं रहेंगे तो डिजिटल कहाँ से रहेगा, कैसे होगा? हमारे कॉलेज नहीं रहेंगे, डिग्री कहाँ से बांटेंगे आप? क्यों डिग्री बांटने की मशीन रह गई आईटीआई, यही सरकार की मंशा है, रोजगार भी नहीं दे रही है। भाई जो लड़के पढ़ेंगे नहीं वो रोजगार कैसे कर पाएंगे? स्टूडेंट तो खुश है सर? नहीं, स्टूडेंट नहीं खुश हैं, जो पढ़ने वाले नहीं वो खुश हैं, जो पढ़ने वाले हैं वो नहीं खुश हैं। जरा डिटेल में बताइए क्यों? जैसे जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो पास होंगे, और जो पढ़ने वाले वो फेल हो जाते हैं, तो उनको क्या जरूरत है? आप बताइए, आपने भी बीए किया होगा, इंटर किया होगा, आपकी मार्कशीट पर संस्थान की मोहर लगेंगे कि नहीं लगेंगे, लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए, प्रिंसिपल की साइन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मोहर नहीं लगती है ना साइन होती है हमारी, आप बताइए ये कहाँ तक हम प्रबंधक बने हुए हैं, ना हमारी साइन है ना हमारी मोहर है, जो उस मार्कशीट की मानता भी नहीं होनी चाहिए, क्या कैसे मानता मानेंगे आप? दोषी किसको मानते हैं आप? दोषी सरकार को मानते हैं, और किसको मानेंगे? अच्छा, सरकार को दोषी मानते हैं। हाँ, मतलब सरकार कोई भी कार्रवाई करती है आप लोगों के लिए तो उसमें आप उनकी उंगली खड़ी करने लग जाते हैं? नहीं 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 नहीं, हम जो अच्छी बात है उनका स्वागत भी करते हैं, उनका सम्मान भी करते हैं, और हमारी मांगे मानते भी हैं, पिछले बार मांगे थे फिर मांग ले, जो बचा हुआ है सर पेपर बसता है, इससे कई चीजें बसती हैं, तो हम तो स्वागत करते हैं। तो सर अप्रूव तो सर कॉलेज मतलब प्रशासन ही करता है? हाँ, अप्रूव करता है, लेकिन और अधिकार भी हमारे पास होना चाहिए, नहीं कि हम साइन करें, हम उनको मोहर मार के दें ताकि लगे वो रियलिटी है। बिल्कुल, कि मैं मोहर भारत सरकार का मोहर का कीमत है,
मोहर नहीं रहेगा, आप काम करें वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। सीबीटी एग्जाम का हम कहाँ विरोध कर रहे हैं, हम तो स्वागत कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है हमको, सीबीटी हम ऑनलाइन परीक्षाएं हो रही हैं और बहुत अच्छा हुआ उसमें, और रिजल्ट भी अच्छे हो रहे हैं, अब पढ़ने वाले लड़के पास हो रहे हैं।